हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं उठिंग पेपर में, तो जो पेपर मिला है इधर से लगभग 500 मीटर है और मैं इधर रुका हूँ। ये जो रोड गया है ये एक इस तरफ एक गांव है, तो वो है ततलीगुड़ी। अभी मैं हूँ पेपर मिल के बीच में। मेरे पीछे जो सड़क है ये पेपर मिल का दो हिस्सों में बांट दिया गया है। ये एक की तो हिस्सा हो गया ये जिसे देख रहे हैं, और एक हिस्सा है जो मेरे पीछे दिख रहा है वो, तो ये एक हिस्सा है। तो जो ये सड़क है ये सड़क आपको ब्रह्मपुत्र में ले जाके छोड़ेगा, जो सीधे नदी में जाके पहुंचती है। हिस्सा है जो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो ये बंद है। तो इसमें क्या क्या है, CRPF वालों के लिए ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा दे दिया गया है। तो अब फाइनली हम आ चुके हैं पेपारमिल के गेट के बगल में। मेरे पीछे एक गेट है, मैं दिखाऊँगा अभी। तो उसका पहले देख लेते हैं सामने का लुक। ये है एक साइड है और पीछे का ये एक साइड है। तो जैसे पहले बताया था, मेरा पीछे जो गया है ये रोड ये ब्रह्मपुत्र में गया है, जो असम का सबसे बड़ा रिवर है। तो देखते हैं, ये है, ये बोर्ड है पेपर मिल का, जो पहले के लगभग आज से 40 साल पहले बन चुका था, लेकिन फिर से भी ये ऑफ था। काम है गेट, इस तरफ भी एक है और इस तरफ दीवार मार दिया है। इस साइड में देखे तो, और ऊपर का हिस्सा देखे तो ये ऐसा है, इंडस्ट्रियल इस्टेट ढींग नौगांव असम, ये ढींग में गिरता है और असम इससे भी लिखा है इसमें। तो अंदर ये गेट को खोल लेते हैं। ये है, इसमें नया प्रोसेसिंग जो कुछ काम चल रहा है, जैसे ये रूम हो गया, घर वगैरह टीम गिरा हुआ है और उसके सामने कुछ पेड़ भी लगा चुके हैं। ये भी शायद पैदा तो है नहीं, और देखते हैं क्या क्या है। नहीं, ये शायद मर चुका है जो भी है, लेकिन अच्छा किया है, साथ साथ में नया प्रोजेक्ट है और नया नया भी पेड़ लगाया है। तो ये भी देख लेते हैं, हाँ इसमें कुछ है। तो मैं अभी ऑलरेडी अंदर आ चुका हूँ। जो ये साइड है ना, तो ये साइड में थोड़ा काम चल रहा है, जो और एक साइड है तो वो CRPF वालों को दे दिए हैं। जो पहले वीडियो में पहले में बताया था, काफ़ी पुराना, लगभग आज से 30-40 साल पहले बना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के लिए ये जो स्टार्ट हो नहीं पाया, तो फिर से मतलब ये प्रोजेक्ट में फिर से हाथ लिए हैं। तो ये प्रोजेक्ट में फिर से हाथ लिया गया है और ये प्रोजेक्ट कुछ ही दिन में हो जाएगा, इसका थोड़ा मोड़ा काम चल रहा है। तो फिर से मैं आया हूँ, तो इधर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो देख पा रहे हो ना, तो इस तरफ भी कुछ ऐसे नया प्रोजेक्ट का घर और बनाने का काम चल रहा है, तो और भी चल रहा है, तो दिखाता हूँ साइड से। तो अभी जाके देखता हूँ ये घर का अंदर में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या नहीं। तो हम आ चुके हैं इस तरफ। तो ये जो घर है मैं बोला था, तो ये वो घर है, इसमें नया प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा और भी सारे घर हैं, इसमें लुक बाहर से अंदर में अंधकार है तो अच्छा नहीं लगेगा, रोशनी कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो कुछ वर्कर्स हैं जो इधर में काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया, और एक नया प्रोजेक्ट है, इसका बगल में एक बड़ा सा सिमुल का पेड़ है। तो हो गया सिमुल का पेड़, ये जो गोडाउन है इसका भी काम चल रहा है, तो आधा होकर रोका है, ये भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं 2022 इसके लिए काफ़ी उम्मीदवार रहेगी, काफ़ी अच्छे रहेगी और 22 में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये अंदर का रोड है, तो ये रोड जो पहले मैं एक वीडियो में उधर से स्टार्ट किया था, दोस्तों उधर में बोला था ये एक रोड गया है ततलीगुड़ी, तो ये रोड वही रोड मतलब ततलीगुड़ी में जाके पहुँचाता है, तो पूरा स्ट्रेट जाता है और उसका बॉर्डर को छुपता है। तो इसका अगल बगल में देखे तो खास ऐसा नहीं है, ये सिर्फ रोड ही है। तो साथ में देखे तो ये सब पूरा जंगल एरिया है और इसमें काफ़ी पेड़ है, जैसे सिमूल, सेगून और ऐसा वगैरह वगैरह आपको पेड़ मिल जाएगा, और प्रेशियस पेड़ भी आपको मिलेगा। तो साइड में यही ऐसे ही है, तो और थोड़ा पहले भी और एक मिलेगा जो
वो तो डायरेक्ट इंडस्ट्री में गया नहीं है, लेफ्ट लेने से वो फिर से मेन रोड मिलेगा और राइट लेने से फिर से इंडस्ट्री में आपको घुमाएगा। तो चले चलते हैं उस तरफ। ये पुराना है, ये नया नहीं है, ये प्रोजेक्ट लिया है लेकिन ये प्रोजेक्ट का बाहर था, जो पहले ओल्ड प्रोजेक्ट में क्या था, न्यू प्रोजेक्ट में क्या नहीं है, हाँ दूसरा हिस्सा में, तो वो हिस्सा छोड़ दिया। जो ये जो हिस्सा है ना, तो इस तरफ भी एक बोरा गोड़ान है जो ये ओल्ड है, पहले का था, तो इसमें एक मस्जिद भी था, अभी शायद है कि नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो जाके देखते हैं। ये पेपर मिल का सबसे बड़ा गोदाम है, तो उस तरफ से देखे तो काफ़ी लंबा और काफ़ी ब्रेथ भी है इसका, तो यही है पेपर मिल का सबसे बड़ा गोदाम। और मैं एक मशीन का बारे में जिक्र किया था, तो वो मशीन पहले इधर ही था, तो फिलहाल अब नहीं है मशीन, उसको हटा दिया गया है। और तो देखते हैं इस तरफ, तो मशीन का एक पार्ट हमको देखने को मिला, जो ये है, एक जैसे कि देखिए ये पार्ट है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हिस्सों में था, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इसका जो इधर भी एक टंकी बन रहा है, पहले वाला के साथ में कंपेयर कर रहे थे, वो काफ़ी छोटा टंकी है, पहले वाला जो था वो CRPF कैंप का बगल में था और इससे काफ़ी बड़ा था। तो एक टंकी को देख लेते हैं, तो टंकी है ये जो मेरे पीछे जो टंकी दिख रहा है, यही है वो टंकी, पहले वाला से काफ़ी छोटा है। और टंकी के साथ साथ और एक बात करें, तो ये जो पीछे का रूट है ना, तो पहले भी ये भी फिर से ब्रह्मपुत्र में जाके गिरता है, जो आसाम का सबसे बड़ा नदी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और ये वाला रोड खेती बाड़ी में ले जाके गिराता है, तो इस तरफ इसी का ज़मीन है जो इसमें लोग खेती बाड़ी थोड़ा करते हैं। तो आज का वीडियो इधर ही समाप्त होता है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब के लिए टाटा बाय बाय।